वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज की सामान्य अध्ययन की इस वीडियो में हम लोग 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस देखेंगे। ये सेट 8 है, इससे पहले सेट 7 तक हमने 1 से लेकर 7 सेट जो है अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो को ज़रूर देखें। कहीं भी स्टडी कर रहे हो आप, बिहार दरोगा, बिहार SSC या अन्य परीक्षा के लिए, तो आप यहाँ पर एक बार सेट जरूर लगाएं। 50 क्वेश्चंस में से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं वो भी आप कमेंट जरूर करें। यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग जो है आप वो भी डिसाइड कर लें कि नेगेटिव मार्किंग जो इसमें हमने डिसाइड किया है वो 25% नेगेटिव मार्किंग है। तो एक क्वेश्चन अगर आप गलत करते हैं तो आप उसके हिसाब से उसमें डिडक्ट करके बताइए कि टोटल 50 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। तो आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। 50 क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर हैं, बिहार दरोगा और बिहार SSC के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न देखिए, सेट 8 का ये सबसे पहला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी। चार ऑप्शंस आपके सामने हैं, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी। तो आंसर डी जो है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1921 ईस्वी में ऑप्शन डी यहां पे करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, चिकित्सा से संबंधित है, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगति किस नगर में आयोजित की गई थी। तो अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगति का आयोजन जो है वो किस नगर में किया गया था, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी यहां पे राइट आंसर होगा। डेली जो है दिन में 2 बजे, डेली दोपहर 2 बजे जो है आपको ये वीडियो मिलती है, 50 क्वेश्चन होता है। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर किया कीजिए, क्योंकि लाइक की संख्या बहुत कम है। हमें आप जितना लाइक करेंगे हमें मोटिवेशन मिलेगा, तो अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस वीडियो पर टारगेट लाइक जो है वो 500 लाइक का है, उम्मीद करते हैं आप इसे पूरा करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने अपने सिक्कों पर अपने को वीणा बजाते हुए आकृति में अंकित करवाया था। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, किस गुप्त शासक ने यानी गुप्त वंश के शासक ने सिक्कों पर अपने को वीणा बजाते हुए आकृति में अंकित करवाया था, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा इसका समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी यहां पे करेक्ट आंसर होगा। इसका PDF फाइल भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाता है, तो टेलीग्राम चैनल EDUJOSH जाकर के सर्च करें, वहां पर आपको हमारा PDF जो है मिल जाएगा। नेक्स्ट देखिए, चोल राज्य है उसका क्षेत्र कहां तक फैला हुआ था। चोलों का जो राज्य है वो किस क्षेत्र तक फैला हुआ था, ये आपसे पूछा गया है। विजयनगर क्षेत्र, मालाबार क्षेत्र, दक्कन का पठार या कोरोमंडल तट। तो ये देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोरोमंडल तट दक्कन के कुछ भाग तक ये फैला हुआ था, तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था। अलाउद्दीन खिलजी ने जब आक्रमण किया था तो उस समय देवगिरी का शासक कौन था, ये सवाल पूछा गया है। तो आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में, रामचंद्र देव, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा। अगला देखिए क्वेश्चन है, टोडरमल का पूर्वगामी किसे कहा जाता है। टोडरमल का पूर्वगामी किसको कहेंगे, तो इस क्वेश्चन में राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मोहम्मद गवां, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सूफी सिलसिला में कौन संगीत के विरुद्ध था। सूफी सिलसिला चिश्ती, सुहारवर्दी, कादिरी या नक्शबंदी में कौन जो है वो संगीत के विरुद्ध था, तो संगीत के विरुद्ध था नक्शबंदी, ऑप्शन डी यहां पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था। किस मुगल बादशाह को वजीर गजीउद्दीन ने दिल्ली के अंदर दाखिल नहीं होने दिया था, यानी प्रवेश नहीं होने दिया था, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, शाह आलम द्वितीय, तो ऑप्शन बी यहाँ पे याद रखिएगा, शाह आलम द्वितीय, ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है, बंगाल के किस गवर्नर जनरल के काल में पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पारित हुआ था। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 बंगाल के किस गवर्नर जनरल के काल में पारित हुआ था, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है, ऑप्शन ए वॉरेन हेस्टिंग्स। अगला सवाल, राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के पश्चात किसने ब्रह्म समाज की बागडोर संभाली थी। ब्रह्म समाज की बागडोर राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के बाद किसने संभाली थी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा रामचंद्र विद्या बगीस, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद है, बी आर अंबेडकर जो है यानी भीमराव अंबेडकर ने पढ़ाई लिखाई में किसने बड़ा सहयोग किया था, उनकी पढ़ाई लिखाई में, बाबा साहब जो भीमराव अंबेडकर हैं तो इनकी पढ़ाई लिखाई में किसका बड़ा योगदान था।
ठीक है। देखिए चार ऑप्शन है, बड़ौदा के महाराज, जूनागढ़ के नवाब, मैसूर के राजा और नाभा के महाराज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बड़ौदा के महाराज ने उनकी पढ़ाई लिखाई में काफी योगदान किया था, तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद देखिए, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश तक नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, 1 नवंबर 1858, ठीक है, 1 नवंबर 1858 ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। किसी संस्तुति के आधार पर भारत का राष्ट्रपति भारत की आकस्मिक निधि से धन व्यय कर सकता है, किस संस्तुति के आधार पर। तो देखिए कोई भी ऑप्शन जो ऊपर तक तीन है वो सही नहीं है, तो ऑप्शन डी, किसी भी संस्तुति की जरूरत नहीं पड़ती है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस पद का उल्लेख नहीं है, कौन सा ऐसा पद है जिसका संविधान के अंदर उल्लेख नहीं है, प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति। तो देखिए उपराष्ट्रपति तो है, ठीक है, राष्ट्रपति भी है, प्रधानमंत्री भी है, उप प्रधानमंत्री का उल्लेख नहीं है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ष 1909 में मैडम विकाजी गामा पेरिस में निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित करती थी। 1909 की बात पूछी गई है, इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पेट्रियट, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी पेट्रियट इसका करेक्ट आंसर होगा। भारत की आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, कई बार सवाल पूछा गया है, भारत की आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, जेबी कृपलानी, ऑप्शन सी जेबी कृपलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई, तो भारतीय संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई है, साइमन आयोग के प्रस्ताव, क्रिप्स प्रस्ताव, माउंटबेटन योजना या फिर कैबिनेट मिशन योजना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन योजना, ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी व्यस्त नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है वो क्या कहलाता है, पंथ निरपेक्षता, प्रजातंत्र, समाजवाद या गणतंत्र। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, प्रजातंत्र, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो है प्रस्तावना का यह प्रावधान सभी वयस्क नागरिक होगा, यहाँ पे व्यस्त नहीं, वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है, राष्ट्रपति जो है वो सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है वो परामर्श ले सकता है। आर्टिकल आपसे पूछी गई है, तो इसका आर्टिकल होगा 143, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं, लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, जिनको हम लोग स्पीकर भी कहते हैं, ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में सभी राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंकों में बचत खातों पर दी जाने वाली ब्याज दर किसके द्वारा निर्धारित की जाती है, ये जो बचत बैंक यानी सेविंग अकाउंट्स पर जो सेविंग अकाउंट्स पर जो आपको इंटरेस्ट मिलता है उसका इंटरेस्ट का जो रेट होता है, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो ये किसके द्वारा निर्धारित होगा, राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है, ऑप्शन जो दिया गया है, केंद्रीय वित्त मंत्रालय, केंद्रीय वित्त आयोग नहीं, भारतीय बैंक संघ नहीं, इनमें से कोई नहीं इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय नवीनीकरण कोष की स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी, यहाँ पे चार उद्देश्य हैं, खानों के नवीकरण के लिए, नवीनीकरण के लिए, उद्योग के आधुनिकरण के लिए, लघु इकाई की स्थापना के लिए, या उद्योग के आधुनिकरण के पश्चात विस्थापित श्रमिकों की स्थापना के लिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, याद रखिएगा, उद्योगों के आधुनिकरण के पश्चात विस्थापित श्रमिकों की स्थापना के लिए किया गया था, तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक साधन केंद्र सरकार के राजस्व का स्रोत नहीं है, केंद्र सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के राजस्व का स्रोत इनमें से कौन नहीं है। तो देखिए कृषि आयकर जो होता है वो केंद्र सरकार के राजस्व का स्रोत नहीं होता है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूरज का कौन सा भाग दिखाई देता है, जब पूर्ण सूर्य ग्रहण लगता है तो सूरज का कौन सा भाग हमें दिखाई देता है, तो आंसर होगा किरीट, ऑप्शन ए किरीट हमें दिखाई देता है। कैस्पियन सागर कहाँ पर स्थित है, यहाँ ऑप्शन दिया गया है रूस और ईरान के बीच, सऊदी अरब और मिस्र के बीच, मिस्र और लीबिया के बीच, या लीबिया और इसराइल के बीच। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, कैस्पियन सागर जो स्थित है वो रूस और ईरान के बीच स्थित है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसके किसके बीच है, रूस और ईरान के बीच स्थित है। उष्णकटिबंधीय परिस्थितियों का सर्वाधिक विस्तार किस महाद्वीप में पाया जाता है, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, उष्णकटिबंधीय परिस्थितियों का सर्वाधिक विस्तार किस महाद्वीप में पाया जाता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अफ्रीका, ऑप्शन
ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। इसके बाद है कोरी निवेशिका जिस पर स्थित है वो है, कोरी निवेशिका कहाँ पर स्थित है, कच्छ की खाड़ी में, खंबात की खाड़ी में, कच्छ के लिटिल रन में या कच्छ के रन में। तो आंसर होगा कच्छ के लिटिल रन में, तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली जो चोटी है वो कौन सी है, ये आपसे पूछी गई है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सैडल पीक, ऑप्शन ए सैडल पीक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सैडल पीक इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, तूजू दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है। तूजू जो दर्रा है वो भारत को किस देश के साथ जोड़ता है, चीन के साथ, म्यांमार के साथ, नेपाल के साथ या भूटान के साथ। तो तूजू जो दर्रा है ये भारत और म्यांमार को आपस में जोड़ता है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, म्यांमार। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला सवाल है, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल जो है वो क्या है। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल क्या है, इस सवाल का आंसर बताइए। गोदावरी नदी नदी जो है इसका उद्गम स्थल होगा त्र्यंबक गाँव, ऑप्शन बी त्र्यंबक गांव इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद है पन्ना लाल घोष निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे। पन्ना लाल घोष का संबंध किससे था, बांसुरी से था, तो ऑप्शन ए याद रखिएगा, बांसुरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए, किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है क्योंकि, क्यों होता है पिंड के द्रव्यमान और भार में अंतर, ये आपसे सवाल पूछा गया है। इसका राइट आंसर क्या होगा, क्योंकि द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तनीय होता है। ठीक है, ऑप्शन बी क्योंकि द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तनीय होता है। इसके बाद देखिए, दोनों इसमें जो है ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो गया। अगला सवाल देखिए, अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ों पर पानी की पाइपलाइन फट जाती है, ये क्यों फटती है। ठीक है, पहाड़ों पर जो ये पानी की पाइपलाइन है वो फट जाती है, वो क्यों फट जाती है, इसका राइट आंसर बताइए। पाइप ठंडक से सिकुड़ जाती है, पाइप में पानी जमने पर सिकुड़ जाता है, दोनों ही गलत है। पाइप से पानी जमने पर फैल जाता है, पाइप में पानी जमने पर फैल जाता है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये वाला भी ऑप्शन गलत है। अगला सवाल देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु में ध्वनि तरंगों के द्वारा उत्पादित नहीं होता है। वायु में ध्वनि तरंगों के द्वारा कौन सा जो है उत्पादित नहीं होता है, ध्रुवन, विवर्तन, परावर्तन या अपवर्तन। तो वायु में ध्रुवन जो है वो उत्पन्न नहीं होता है ध्वनि तरंग के द्वारा, तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो इसकी क्या प्रभाव पड़ता है, तरंग दैर्ध्य समान बनी रहती है, आवृत्ति समान बनी रहती है, आवृत्ति बढ़ जाती है या फिर तरंग दैर्ध्य बढ़ जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आवृत्ति समान बनी रहती है। ठीक है, जब एक माध्यम से प्रकाश किरण दूसरे माध्यम में जाएगी, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट की जो रेज है वो जाएगी, तो आवृत्ति उसकी समान बनी रहेगी, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। कौन मस्तिष्क की कार्यप्रणाली की नकल करने वाला सबसे तेज गति का कंप्यूटर है। तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, क्वांटम कंप्यूटर बोलते हैं इसको, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, कांच को गहरा नीला रंग किससे मिलता है। कांच को जो गहरा नीला रंग मिलता है वो किसके द्वारा मिलता है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। तो देखिए, कोबाल्ट ऑक्साइड, क्यूप्रिक ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड या निकेल ऑक्साइड। कांच को गहरा नीला रंग किससे मिलता है, तो ये मिलता है कोबाल्ट ऑक्साइड से, तो ऑप्शन ए यहाँ पे याद रखिएगा, ऑप्शन ए कोबाल्ट ऑक्साइड। अगला देखिए, सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व कौन सा है। सभी जैव यौगिक जो हैं उनका अनिवार्य मूल तत्व कौन सा है, तो कार्बन है। बहुत इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद है, क्लोरल का IUPAC नेम क्या है। क्लोरल का IUPAC नेम जो है वो क्या होगा, तो इसका आंसर बताइए, ट्रिक्लोरोइथेनॉल। ठीक है, ट्रिक्लोरोइथेनॉल जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी ट्रिक्लोरोइथेनॉल। नेक्स्ट देखिए, अगला जो सवाल है वो है, औद्योगिक स्तर पर पेनिसिलिन प्राप्त किससे किया जाता है। उसके बाद है यहाँ पर, औद्योगिक स्तर पर जो पेनिसिलिन है वो किससे प्राप्त किया जाता है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा पेनिसिलियम क्रासोजेनियम के द्वारा प्राप्त होता है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। प्रकाश अनुवर्ती संचालन किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। प्रकाश अनुवर्ती संचालन किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सिन, ऑप्शन ए ऑक्सिन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से सबसे छोटी कोशिका कौन सी है।
सबसे छोटी कोशिका आपसे पूछी गई है कि जो सबसे छोटी कोशिका है वो कौन सी है, तो सब जानते हैं माइकोप्लाज्मा, ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए, मनुष्य की मुख गुहा में निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रारंभ होता है? पाचन प्रारंभ जो है मुख गुहा में किसका होता है? प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, टेबल टेनिस किस देश का राष्ट्रीय खेल है? टेबल टेनिस जो है वो किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो ये चीन का राष्ट्रीय खेल है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो गया। उसके बाद है, हाल ही में महिला फीफा विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता है? करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, महिला विश्व कप फीफा 2023 जो है वो किस देश ने जीता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा स्पेन ने जीता है, तो ऑप्शन ए याद रखिएगा, स्पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में बीपीसीएल ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किनको बनाया है? BPCL ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किनको बनाया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए, रोहित शर्मा, रणवीर सिंह या फिर राहुल द्रविड़ या इनमें से कोई नहीं? तो राहुल द्रविड़ को बनाया है BPCL ने, तो ऑप्शन सी यहां पे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश का लूना 25 अंतरिक्ष यान चंद्रमा से टकरा कर दुर्घटनाग्रस्त हो गया? लूना 25 जो कि अंतरिक्ष यान था, चंद्रमा पर भेजा गया था, यह दुर्घटनाग्रस्त हो गया, किस देश का था ये आपको बताना है। हमने ये करंट अफेयर्स में आपको कवर भी कराया है, रूस होगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगर आपने करंट अफेयर्स की 500 क्वेश्चन की वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, PDF फाइल भी अवेलेबल है, उसका भी लिंक दिया गया है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। हाल ही में आतंकवाद से पीड़ित को स्मरण और श्रद्धांजलि का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? आतंकवाद के पीड़ितों को स्मरण और श्रद्धांजलि का अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है ये कब मनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? 21 अगस्त, ऑप्शन बी 21 अगस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जन्माष्टमी पर प्रो गोविंदा प्रतियोगिता आयोजित की है? प्रो गोविंदा प्रतियोगिता किस राज्य सरकार ने आयोजित की है जन्माष्टमी के अवसर पर? तो आंसर होगा महाराष्ट्र, ऑप्शन बी। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने 50 MCQ क्वेश्चंस देखा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए। मैं इस पर फोर्स कर रहा हूँ, आपको बल दे करके ये बोल रहा हूँ कि अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि इससे हम मोटिवेट होते हैं और रोज़ाना आपके लिए वीडियो लेकर आते हैं। 50 क्वेश्चन की वीडियो लेकर के रोज़ाना आना, ठीक है, ये आपके लिए मैं 2 बजे दिन में रोज़ लेकर के आता हूँ। तो चलिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।